ये हमारे बोर्डिंग पास बन चुके हैं और ये महारानी कंट्रोल में नहीं है। हमने अपने लगेज दे दिया है, अब हम जा रहे हैं बोर्ड पास लेके 45A2। चलो चलो, तो शिकायना जी ने एक और स्वेटर पहन लिए है, टी शर्ट सभी, क्योंकि एयरपोर्ट में ठंडी ज़्यादा है। क्यों बेटा? नो, एयरपोर्ट में ठंडी ज़्यादा है। कहाँ जा रहा शिकायना जी? आ जाएंगे नाना नानी के पास, फिर जाएंगे दादू दादी के पास। कोको का गंजी बात, कोको तो फ्लाइट में देखेंगे क्योंकि जहाँ आप तंग करोगे। एयरपोर्ट भी एक तरीके से मॉल ही बन गए। हम अब यहाँ पहुँच चुके हैं। शिकायना जी को लगी है प्यास, अपनी बॉटल यहाँ छोड़ के महारानी जी चल पड़े। हाँ जी, यस बेटा, ओके ओके। मिक्स एक ही करते हैं, और जो आज ऑरेंज बनाएंगे उसको देंगे क्या हमें? आप ग्लास, नॉर्मल ग्लास, नॉर्मल वाइट ग्लास। शिकायना जी को लगी है भूख, उसके लिए हो रहा है इधर सैंडविच और जूस तैयार। आ जाओ बेटा शिकू। इसको कोई शार सोच नहीं रखते, इसको ये ऑरेंजेस दिख रहे हैं, इसने चेयर को ले आई है और अभी ऑरेंजेस जाने वाले हैं। इससे पहले कि पापा की पिट्टी हो जाए आप, नो नहीं, ये क्या, ये देखो शिको, जाओगे अभी आप फ्लाइट पे ही जाओगे मिस्टर महेश एंड मिस शिकायना। शिकायना, अच्छा यही है। हाय शिकायना। हेलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू। जाना है हमें अपने लगेज की तरफ। तश, आपने खाना पूरा खा लिया बेटा? मम्मू को बताओ, मम्मू को बोलो।
ये हम रात के 1:30 बजे घर पहुंच गए हैं। यहाँ से लगभग मार्ली 1-1.5 मिनट का रास्ता है घर के लिए, 2 मिनट का रास्ता। अंधेरा काफ़ी है, गाँव में स्ट्रीट लाइट्स तो होती नहीं है, तो रात के इस अंधेरे के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए उजाले के साथ, नए व्लॉग के साथ।